हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरे कल का वीडियो को चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए। मैंने डीमार्ट के बारे में, उसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म के लिए कैसे स्टॉक है, सब मैंने आपको डिस्कस करते हुए देखने को मिल रहा है। और मैं आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, इस चैनल में जो भी स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ, कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। मैं आपको कोई भी यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो पेनी स्टॉक्स, अगर आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को पेनी स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो ना कोई बिजनेस देखता है कि कंपनी कितना अर्न करती है, क्या है, कुछ भी चेक नहीं करते। उसको सिर्फ देखना होता है कि स्टॉक का प्राइस कितना है। अगर वो स्टॉक का प्राइस 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये या 50 रुपये हो तो भी उनको बहुत ही इंटरेस्ट होता है उस स्टॉक में। और वो तेज़ी देखता है, हाँ वो ये स्टॉक अपर सर्किट मारते जा रहा है, भागते जा रहा है। तो उस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि चलो हम भी पैसा लगाते हैं और बैठे बैठे करोड़ों कमा लेते हैं। लेकिन उस स्टॉक के पीछे बहुत ही बड़ा गेम होता है दोस्तों। मैं हमेशा वीडियो बनाकर आप लोगों को यही एडवाइस देता हूँ कि पेनी स्टॉक से दूर रहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कीजिए, उसका बिजनेस चेक कीजिए, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है आप विचार कर लीजिए। किसी का भी वीडियो देखकर आप मोटिवेट मत हो जाइए। किसी को भी पता नहीं चलता है कि स्टॉक कहाँ जा रहा है, कहाँ से कब गिरेगा, कितना ऊपर जाएगा, किसी को भी मालूम नहीं होता है। सिर्फ बिजनेस के ऊपर ही उसका पूरा मतलब भविष्य टिका होता है। अगर बिजनेस ही अच्छा खासा नहीं चल रहा है तो आप किसी भी स्टॉक के तेज़ी पर ना जाइए, और उसमें अगर आप फंस जाएंगे तो आप बहुत ही आपका पूरा पैसा डूब सकता है। इसलिए पेनी स्टॉक से आपको दूर रहना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, जो स्पेशली नए इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर आप उनमें से एक कंपनी अगर मैं देखूंगा वो है सुजलोन एनर्जी। सो मैं बहुत सारे कंपनी के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ, अच्छे कंपनीज, बुरे कंपनीज। सो अगर मैं देखूँ तो बहुत ही, आपको अगर मेरे वीडियोस देखने जाओगे तो आपको बहुत सारे कंपनीज के डिटेल्स मिल जाएंगे। सो सुजलोन एनर्जी अगर आप देखेंगे, इसको भी पेनी स्टॉक्स कहा जाता है क्योंकि एक ज़माने में अगर आप देखेंगे ये आपको सिंगल डिजिट में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। अभी है कि बुल मार्केट चल रहा है, इसलिए स्टॉक्स आपको हर दिन नए हायर लगाते जा रहा है। बिजनेस अगर देखेंगे तो आपको कुछ भी यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। सो अगर आप देखेंगे इस कंपनी में आपको लेटेस्ट कुछ न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि क्रिसिल जो आपको रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने इस कंपनी को थोड़ा अपग्रेड किया है। सो उन्होंने अभी इनका जो रेटिंग्स है वो बता रहे हैं कि ए नेगेटिव पॉजिटिव क्रिसिल A2+ करके रखा है फ्रॉम क्रिसिल बी पॉजिटिव क्रिसल A2 से। सो वहाँ से इन्होंने अभी A नेगेटिव करके इनको अपग्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसका रीज़न क्या है? सो वो बता रहे हैं कि जो विंड टर्बाइन बिजनेस है उनको अभी अच्छा खासा मार्जिन इम्प्रूवमेंट होने वाला है, एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन द मार्जिन वाइल मेंटेनिंग हेल्थी कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो का भी अच्छा खासा जनरेशन यहाँ पर हो रहा है। प्लस वो बता रहे हैं कि अपटेक इन द ऑर्डर बुक प्रोवाइडिंग विजिबिलिटी फॉर फ्यूचर रेवेन्यू। सो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनका विंड टर्बाइन का बिजनेस अच्छा खासा चलने वाला है, कैश फ्लो जनरेट होने वाला है, प्लस इनका ऑर्डर बुक में भी आपको रेज देखने को मिलेगा करके क्रिसिल का मानना है। सो उन्होंने बताया नहीं कि 100% ऐसा होगा, उनका एक एक्सपेक्टेशन है। कुछ लोग इनके जो रेटिंग्स होते हैं उसको ले लेते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिवली ले लेते हैं। सो डिपेंड ऑन आपकी क्या मर्जी, मतलब जो फंड हाउसेस होते हैं, जो अच्छे खासे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका क्या मानना होता है उसके ऊपर स्टॉक का आपका रेज देखने को मिल जाता है। रिटेल इन्वेस्टर के बाइंग और सेलिंग के इसमें आपको स्टॉक में आप या तेज़ी या गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती है। सो अभी इस रिपोर्ट के बाद अभी देखना पड़ेगा कि बिजनेस एक्चुअली कैसा चलने वाला है। उनका भी जो उन्होंने बताया है, ऐसा नहीं कि आपको कल ही से ही आपको अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलेगा या फिर परसों से ही आपको कंपनी एकदम से प्रॉफिट अर्न करना शुरू करेगी, ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए इनके रेटिंग्स होते हैं, क्या एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर का उनका टारगेट होता है। सो उसके हिसाब से आपको स्टॉक को देखना पड़ता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक में, अगर आप देखेंगे वेनसडे के दिन ये रिपोर्ट आपको देखने को मिल रहा था, उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टॉक में आपको अच्छा खासा तेज़ी फिलहाल पर देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर आप इस कंपनी का ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखेंगे, पिछले 6 महीने से अगर आप देखेंगे 50% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो आप
देख सकते हैं एक ज़माने में आपको 3-4 रुपये 6 रुपये मतलब सिंगल डिजिट में यह कंपनी ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं 2019 से 2023 तक कंपनी ने सिर्फ 50% का रिटर्न दिया है। ज़्यादा कुछ मतलब आपको इसमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को ही नहीं मिल रहा था, लेकिन इस पॉइंट में अगर आप देख सकते हैं मई 2023 के बाद अच्छा खासा आपको रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए आपको ओवरऑल परसेंटेज 615% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से एकदम से स्टॉक ऐसा मतलब तेज पकड़ लिया, क्या बिजनेस फंडामेंटल्स चेंज हो गए, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न होना शुरू हो गया, ऐसा कुछ भी हुआ है तो इसको मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसका रीज़न था कि एक इन्वेस्टर है मुकुल अग्रवाल करके, उन्होंने इसमें 1% का स्टेक बाय किया है। सो इसीलिए इसके बाद आप देख सकते हैं वो आपको न्यूज़ देखने को मिल रहा था कि जुलाई में, क्योंकि अगर आप कोई भी अगर इन्वेस्टर अगर आप उन्हें इन्वेस्ट करता है तो आपको पता नहीं चलता है बीच में। सो वो आपको पता चलता है जब उसका क्वार्टरली शेयर होल्डिंग्स का अपडेट आता है, उसके बाद ही आपको पता चल जाता है। सो इसका अपडेट आपको जून के क्वार्टर में देखने को मिल रहा था, इसीलिए अगर आप देखेंगे मई या जून के बाद आपको अच्छा खासा इसमें तेज़ी देखने को मिल रहा था। उसके बाद इसी के साथ अगर आप देखेंगे अमेरिका का जो ब्लैक रॉक है, इन्होंने भी इनका स्टेक इसमें बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये 5% का टोटल होल्डिंग आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे जो इन्होंने इन्वेस्टर्स ने इसमें स्टॉक बाइंग किया है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें अभी पूरा फंडामेंटल्स चेंज हो गया, रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें जाना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको फिर भी ऐसे अच्छा खासा न्यूज़ आए तो भी आपको उसकी बैलेंस शीट और उसके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ही टिके रहना है। उसमें जब तक आपको नंबर्स सुधारते हुए देखने को नहीं मिलेंगे तब तक कुछ भी हो जाए आपको इसमें जाकर पोजीशन बनाना आपके लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, इसमें जाना है नहीं जाना है आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। अगर आप इस कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर इसके रिजर्व्स देख सकते हैं जो कि आपको सिर्फ नेगेटिव में ही देखने को मिल रहे हैं। सो नेगेटिव रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अलर्ट है कि आप ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। सो जब तक पॉजिटिव रिजर्व्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे आप ऐसे स्टॉक में जाओगे तो आपको पैसा यहाँ पर फंस सकता है। कंपनी कुछ कमा ही नहीं रहा इसीलिए आपको नेगेटिव रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने मेरे कल के वीडियो देखे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ICICI बैंक हो या फिर डीमार्ट हो, इन दोनों बैंक के मैंने वीडियो बनाए हैं। अगर आप इसको जाके एक बार चेक कीजिए तो अब आपको पता चलेगा कि इसके रिजर्व्स कैसे होते हैं, या फिर आप टाइटन का भी वीडियो देख सकते हैं, नीचे आपको देखने को मिलेगा। आप जाके एक बार इनके रिजर्व्स देखिए, आप सिर्फ उसको देख के आपको पता चल जाएगा, या फिर आप कोई भी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, आपको रिजर्व्स के डिटेल्स मिल जाएंगे। सो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कमा रही है कि नहीं कमा रही है, कि फिर ऐसे ही हवा में उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। सो अगर उसके बाद कंपनी का कर्जा देखेंगे तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, सो आप देख सकते हैं 2000 करोड़ का कर्जा आपको देखने को मिल रहा है। एग्जाम में 1800 था, बाद में 653 था, बाद में सीधा 4200 3700, अभी थोड़ा कम होकर 2000 पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स देखेंगे तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि अब 323 करोड़ का देखने को मिल जाता है, जो कि आपको फ्लक्चुएट मैनर पर मतलब ऊपर नीचे होता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद कैश एंड कैश बैलेंस देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सो वो आपको फिलहाल पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि 290 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा। ट्रेड रिसीवेबल 546 करोड़ से, इन्वेंटरीज आपको 760 करोड़ से, करंट इन्वेस्टमेंट आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको सीधा 54,000 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। एक जमाने में आपको अगर आप देखेंगे बहुत ही कम आपको इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा था। अब ऐसा कि बुल मार्केट, इसीलिए आपको ऐसे स्टॉक्स अच्छे खासे भागते हुए देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों कभी भी बेयर मार्केट आएगा नहीं, बेयर मार्केट भी आएगा, स्टॉक मार्केट में क्रैशेस भी आएंगे। उस समय पर अगर एक स्टॉक्स गिर गए, अगर इसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो ये इसको रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। सो अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल इसका चैट पैटर्न देख सकते हैं, सिर्फ मैंने 5 साल का कॉल है, अगर मैक्स चैट पैटर्न देखें आप देख सकते हैं एक ज़माने में 2008 में भी आपको अच्छा खासा बुल मार्केट चल रहा था, इसीलिए ये स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। जैसे वो बुल मार्केट का था स्टॉक सीधा क्रैश, उसके बाद इस स्टॉक ने कभी भी उस लेवल पर जाते हुए देखने को नहीं मिला है। सो प्लीज़ इसका थोड़ा लॉजिक आप इस्तेमाल कीजिए, अगर ऐसा अच्छा खासा स्टॉक होता तो ये स्टॉक भी आपको रिकवरी होना चाहिए था। उसके बाद भी बहुत सारे बुल मार्केट्स आए लेकिन
ये स्टॉक रिकवरी कभी भी नहीं कर पाए क्योंकि इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑपरेटर्स को शायद दूसरा स्टॉक मिले हैं, वो पर वहाँ पर गए, बहुत सारे स्टॉक्स लिस्ट हो गए मार्केट में, उन पर उनका ज़्यादा फोकस मिला। इनमें आपको ऐसे छोटी छोटी तेज़ी देखने को मिल जाता है, इन्वेस्टर्स को फंसा लेते हैं और वहाँ से वो लोग एग्जिट ले लेते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी फ़िलहाल पर क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सुजलोन का अगर आप देखेंगे विंड एनर्जी पर ज़्यादा फोकस दे, उस पर वो बिजनेस करती है। सो भी देखना पड़ेगा आने वाले दिन पर जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, उनको फॉलो कीजिए, उसके नंबर्स देखिए, उसमें जाना है कि नहीं जाना है बाद में आप डिसाइड कीजिए। नंबर्स में अगर इंप्रूवमेंट हो गए, बैलेंस शीट्स में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने शुरू हो गए, उसके बाद आप उसमें लंबे समय के लिए जाने का विचार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ तेज़ी देख लिया, न्यूज़ में कुछ अच्छे न्यूज़ आ गए इसीलिए जाएँ, ऐसा मत कीजिए। आप फंस सकते हैं, फंस गए तो बुरी तरह से फंसोगे, जैसे आपको अगर आप देखेंगे जो 2007-08 में हुआ था, ऐसे आप जाके फंस जाओगे, बाद में आपको पूरा लॉस लेके यहाँ से एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जिट लेने का भी चांस नहीं मिलेगा क्योंकि वो सर्किट्स में नीचे आए। उसी के साथ अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ, पीयर्स पर आप नंबर 5 पर देखने को मिल रहा है, नंबर 1 पर आपको सीमेंस कंपनी देखने को मिल जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट 2012 में लॉस था 500 करोड़ का, बाद में 4000 करोड़ का लॉस, 3500 करोड़ का लॉस, 9000 करोड़ का लॉस, बाद में हल्का सा प्रॉफिट 583 करोड़, शायद कुछ ऑर्डर्स मिले होंगे, उसके बाद 852 करोड़ का प्रॉफिट, बाद में फिर से लॉस 380 करोड़ का, बाद में फिर से लॉस 1500 करोड़ का, बाद में यहाँ पर 2600 करोड़ का लॉस, बाद में 100 करोड़ का प्रॉफिट। आप देख सकते हैं लॉस कितने बड़े बड़े आते हैं, प्रॉफिट जब भी आते हैं तो हल्का सा छोटा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है, बाद में 177 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सडनली आपको प्रॉफिट में जंप देखने को मिला जो कि 2800 करोड़, ऐसा क्या मतलब कंपनी ने जबरदस्त सेल्स किया है। तो अगर आप सेल्स देखेंगे, आपको सेल्स में कुछ भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि उतना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो। सो एक्सपेंसेस भी कुछ कंट्रोल नहीं हुए, सिमिलर पैटर्न में एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे थे। होता कि अदर इनकम में कंपनी का शायद कुछ बिजनेस सेल किए होंगे या फिर कुछ एसेट सेल किया होगा इन्होंने, इसीलिए आपको अदर इनकम में वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम देखने को मिला, इसीलिए आपको प्रॉफिट में इतना जंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप फिलहाल पर देखेंगे फिर से वही मतलब 1000 करोड़ के नीचे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सो ऐसे अब अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको लॉजिक लग जाएगा कि इसमें जाना है कि नहीं जाना है। अगर आपके सामने आईफोन रखकर या फिर कोई नोकिया का पुराना फ़ोन रखेंगे तो आप फिलहाल कौन से में जाएंगे? आप ऑफकोर्स आईफोन में जाएंगे क्योंकि एक्सपेंसिव है, अच्छे फीचर्स है, आपको मालूम है एज फ़ोन आने वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा, इसीलिए आप उसको खरीदेंगे, आप नहीं नोकिया के पुराने फ़ोन में नहीं जाएंगे। ऐसे ही आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, जब कंपनी लॉस के ऊपर लॉस पोस्ट करते हैं तो फिर आप ऐसे स्टॉक में क्यों जाना मतलब पसंद करते हैं। जब उसके नंबर्स ठीक हो जाएंगे उसके बाद उसमें जाने का आप आराम से विचार कर सकते हैं, तब उसमें जाके आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, एक ज़माने में 16% का प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा था, बाद में अभी आपको 13% का प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। FIs 17% की होल्डिंग देखने को मिल जाते हैं। DIs देख सकते हैं, इन्होंने लगातार अपने होल्डिंग्स कम करते हुए देखने को मिल रहा है, फिलहाल पर अभी 6% पर DIs देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक आपको 62% होल्डिंग देखने को मिल जाते हैं, जो कि ज़्यादातर बुरे स्टॉक में आपको ज़्यादा पब्लिक देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अच्छे स्टॉक में आपको FIs प्रमोटर और मतलब इंस्टीट्यूशन ही ज़्यादा होल्डिंग रखकर बैठ जाते हैं, पब्लिक वहाँ पर आपको 10% के नीचे देखने को मिल जाती है। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं एक ज़माने में 80% का होल्डिंग मतलब 14% का 80% इन्होंने गिरवी रखा था। सो अभी फ़िलहाल पर इन्होंने उसको भी क्लियर करते हुए देखने को मिल रहा है, एक आपको पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में द प्रमोटर में अपने शेयर्स गिरवी रखे हैं तो अच्छा न्यूज़ नहीं है, इससे आपको एक अलर्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर उन्होंने गिरवी रखे हैं तो भी ठीक है, अगर आप नॉमिनल परसेंटेज रखें जैसे 5% 10% रखा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसको ईजिली छुड़ा सकते हैं। अगर आप ऐसे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं 14% प्रमोटर के पास था, उसमें 80% उन्होंने ऑलरेडी गिरवी रखे हैं, सो ये अच्छी बात नहीं है, ये आपको रेड अलर्ट क्रिएट कर देता है। सो अभी फिलहाल पर इन्होंने क्लियर किया है, ये आपको अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर आप आज एक देखेंगे, आज एक अपडेट आया कि IT डिपार्टमेंट में सुजलोन के ऊपर एक नोटिस भेजा है कि इन्होंने जो उनका पुराना फाइनेंशियल ईयर था जो कि 2015-16 and FY 2017 में दो पेनल्टी ऑर्डर्स दिए कि टैक्स कुछ कम दिया है, इसीलिए अराउंड 87 करोड़ का और
172 करोड़ का इनको टैक्स नोटिस आते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने इसको मतलब काउंटर किया है कि एक बोल रहे हैं कि इसको प्री मेच्योर बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि इसको कोई बेस नहीं है, इसको हम कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे और इसको हम डिफेंडिंग ऑन द सेम मतलब बता रहे हैं कि सुजलान बता रहा है कि उनका इस साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ठीक तरह से टैक्स पे किया है, टैक्स डिपार्टमेंट ने शायद गलती से इसको मतलब ठीक तरह से इसको इवैल्यूएट नहीं किया और हमको नोटिस भेजा है, हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे करके सुजलान में बताते हुए देखने को मिल रहा है। जब सुजलान ने स्टेटमेंट दिया आपको उस समय आपको स्टॉक में आपको आज के दिन 5% का सर्किट लगता हो देखने को मिल रहा है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।